हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसी पजल पूछेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपनी फर्स्ट पजल आपके सामने है। पजल है कि आपके पास दो कुत्ते और तीन बिल्लियाँ हैं, तो बताओ आपके पास कुल कितने टांगे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दो टांगे। दोस्तों अपनी नेक्स्ट पजल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पजल है कि एक से सौ तक की गिनती में एक कितनी बार आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा केवल एक बार। अपनी नेक्स्ट पजल है कि अगर आठ को आधा कर दिया जाए तो जीरो और चार के अलावा क्या बचेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तीन। अगर हम आठ को सीधा काटेंगे तो तीन ही बचेगा। दोस्तों अपनी नेक्स्ट पजल है कि मानना कि एक लड़की की आयु 17 साल है, तो उसके पिता का क्या नाम होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपने गैस कर लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा मानना। दोस्तों अपनी नेक्स्ट पजल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पजल है कि आप खाली पेट कितने गोलगप्पे खा सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा केवल एक। आप एक गोलगप्पा खाने के बाद खाली पेट नहीं रहोगे। दोस्तों अपनी नेक्स्ट पजल है कि अगर एक आदमी 10 रुपए में गंजा होता है तो 10 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जीरो रुपए, क्योंकि वे पहले से ही गंजे हैं। दोस्तों अपनी नेक्स्ट पजल है कि तीन मुर्गी तीन दिन में तीन अंडा देती है, तो 300 मुर्गी तीन दिन में कितने अंडे देगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 300। अपनी नेक्स्ट पजल है कि दो बाप और दो बेटे तीन अंडे को बिना तोड़े बराबर कैसे खाएंगे। तो दोस्तों वो तीन व्यक्ति दादा पिता और पोता हैं। दोस्तों अपनी नेक्स्ट पजल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पजल है कि 100 में से आप 10 को कितनी बार घटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक बार। दोस्तों अपनी लास्ट पजल आपके सामने है। पजल है कि रोहन की तीन बेटियां हैं और तीनों के एक एक भाई है, तो बताओ रोहन के कितने बच्चे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चार बच्चे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और यदि आप ऐसे ही रोजाना वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लो। हम मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरी मज़ेदार वीडियो के साथ।